जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो भी 2020 में नई नियुक्तियां हुई हैं हमारे देश में, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर 60 से ज़्यादा नियुक्तियों को डिस्कस किया है, तो यह आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो होगा। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी वहां से देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे बोर्ड के पहले CEO के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी? तो हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? BK यादव हैं और यही रेलवे बोर्ड के पहले CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमारी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और जो भी हमारे सदस्य हैं उनकी संख्या को 8 से घटा करके 5 कर दिया गया है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बाकी आपको ये बताना है कि इसके बारे में किस समिति के द्वारा पहले रिकमेंडेशन दी गई थी। भारतीय दूर संचार नियामक, यानी कि बात हो रही है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसके नए अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखेंगे आप लोग कि PD वाघेला भारतीय दूर संचार नियामक के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा और इन्होंने स्थान लिया है RS शर्मा का। अगला प्रश्न है, आशीष भाटिया किस राज्य के नए DGP बने? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये बन गए हैं गुजरात राज्य के नए DGP। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और DGP का मतलब क्या होता है? तो ये हमारे किसी भी राज्य में जो पुलिस फोर्स होती है उसका सर्वोच्च पद होता है। इसका पूरा नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि BK जौहरी ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य के बने, हितेश चंद्र अवस्थी उत्तर प्रदेश राज्य के DGP बने और R चित्रलेखा ये केरल राज्य के DGP बनी है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने किसे अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है किसकी? उर्जित पटेल की। किसकी? उर्जित पटेल की यहां पर नियुक्ति की गई है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और उर्जित पटेल जी के बारे में आपको पता होगा कि जो हमारे वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, इनसे पहले ये हमारे RBI के गवर्नर थे। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए MD कौन बने? तो ये बन गए हैं रजत सूद। कौन? रजत सूद ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए MD बने हैं। मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो ये जम्मू और काश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दूसरे उपराज्यपाल बने हैं। तो याद रखेंगे आप लोग कि मनोज सिन्हा जम्मू काश्मीर के LG बन गए हैं और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो स्थान लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू का। भारत के नए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है गिरीश चंद्र मुर्मू की। किसकी? गिरीश चंद्र मुर्मू की। तो ये हमारे जम्मू काश्मीर राज्य के पहले उपराज्यपाल थे और अब ये नियंत्रक व महालेखा परीक्षक बन गए हैं। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो पद है वह एक संवैधानिक पद है और संविधान के 148 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसके हमारे नए अध्यक्ष बन गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। कौन? प्रदीप कुमार जोशी और इन्होंने स्थान लिया है अरविंद सक्सेना का। तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे UPSC इसके चेयरमैन बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। सत्यपाल मलिक को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये हमारे मेघालय राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पहले कहाँ के थे? तो पहले ये थे गोवा के और अब ये मेघालय के जो राज्यपाल थे तथागत राय, उनके स्थान पर नए राज्यपाल बने हैं। भारत के नए चुनाव आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है राजीव कुमार की, जो कि पहले हमारे वित्त सचिव थे और अब ये भारत के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। स्थान इन्होंने किसका लिया है? तो स्थान इन्होंने लिया है अशोक लवासा का, जो कि एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वैसे जो हमारा चुनाव आयोग है
उसमें एक हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त का पद है, इसके अलावा दो चुनाव आयुक्त का पद होता है, तो राजीव कुमार उनमें से एक बने हैं। इसके अलावा एक हमारे कौन हैं, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो अभिनेता परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो बस आप सिंपली यहां पर कनेक्ट करेंगे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बन गए हैं परेश रावल। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहां पर नियुक्ति किसकी हुई है, तो नियुक्ति हुई है हार्दिक सतीश चंद्र शाह की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तो पीएम के निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र शाह। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो हर्ष कुमार भनवाला। किसकी, हर्ष कुमार भनवाला की यहां पर नियुक्ति हुई है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। राकेश अस्थाना किस अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक बने, तो ये बन गए हैं बीएसएफ के, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक बने हैं राकेश अस्थाना जी। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, यहां पर बात हो रही है सेबी की, तो इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहां पर नियुक्ति हुई है जीपी गर्ग की। किसकी, जीपी गर्ग सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए हैं। वैसे सेबी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं। अगस्त 2020 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहां पर नियुक्ति हुई है अबीक सरकार की। किसकी, अबीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति की, तो ये नियुक्ति की है तमिलनाडु की सरकार ने, और नाम आप ध्यान रखेंगे तो नाम इनका है एम वीर लक्ष्मी। कौन, एम वीर लक्ष्मी, तो ये हमारे देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक बनी है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहां पर नियुक्ति हुई है हेमंत खत्री की। ये आप देख सकते हैं नीचे फोटो में, ये है हेमंत खत्री जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए, तो यहां पर नियुक्ति हुई है केनिची आयुकावा की। किसकी, केनिची आयुकावा की यहां पर नियुक्ति की गई है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि केनिची आयुकावा जो है वह मारुति सुजुकी के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो इसके हमारे नए अध्यक्ष बन गए हैं आदित्य जैन। कौन, आदित्य जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, यहां पर बात हो रही है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अनिल धस्माना इसके नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अनिल धस्माना राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण, बात हो रही है यहां पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने, तो यहां पर बने गए हैं अरुण सिंघल। कौन, अरुण सिंघल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहां पर नियुक्ति हुई है बी विद्यावती की। किसकी, बी विद्यावती की, तो आप ध्यान रखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नई महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है बी विद्यावती की। और आप ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ का जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसकी स्थापना 1861 में की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करते हैं तो ये कौन है, तो ये संस्थापक होने के साथ साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले अध्यक्ष भी थे, यानी कि पहले महानिदेशक भी थे अलेक्जेंडर कनिंघम। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहां पर नियुक्ति हुई है एम अजीत कुमार की। ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो हमारे यहाँ का सीबीआईसी है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं एम अजीत कुमार। इसके अलावा जो हमारा
सीबीडीटी है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, उसके अध्यक्ष पीसी मोदी यानी कि प्रमोद कुमार मोदी। भारतीय पैरालंपिक समिति, तो इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी, तो दीपा मलिक जो कि हमारी पैरा खिलाड़ी थी शॉर्ट पुट की, ये बन गई हैं आपके भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहां पर नियुक्ति की गई है किसकी, राजीव बंसल की, किसकी, राजीव बंसल एयर इंडिया के नए सीएमडी बने हैं। सार्वजनिक उपक्रम पवन हंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए, तो ये आपके बन गए हैं संजीव राजदान। तो पवन हंस लिमिटेड जो कि हमारे देश में हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदाता एक कंपनी है, मणिरत्न श्रेणी की है, और इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं संजीव राजदान, तो आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गेल इंडिया के नए सीएमडी का पदभार किसने ग्रहण किया, तो गेल इंडिया के नए सीएमडी बने हैं मनोज जैन। कौन, मनोज जैन गेल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये प्रश्न ऑलरेडी आपकी दो परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा हमारे मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं बिमल जुल्का। कौन, बिमल जुल्का हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। वहीं पर संजय कोठारी जी का नाम भी आपको ध्यान रखना है जो कि हमारे भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो दोनों के नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं बिमल जुल्का और संजय कोठारी हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है युवराज मलिक की, किसकी, युवराज मलिक, ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के नए निदेशक बने हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया, बात हो रही है यहाँ पर सीआरपीएफ की, तो इसके महानिदेशक बन गए हैं एपी माहेश्वरी। कौन, एपी माहेश्वरी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए, तो भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष बने हैं अर्जुन मुंडा। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर स्टीम पर्यवेक्षक के रूप में किन दो महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया, तो दो लोगों की नियुक्ति हुई है, एक तो है कुमुदनी त्यागी और दूसरी है रीति सिंह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए और बी करेक्ट होगा, तो आप यहां से ध्यान रखेंगे कि पहली बार हेलीकॉप्टर स्टीम पर्यवेक्षक के रूप में कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह की नियुक्ति की गई है। सितंबर 2020 में पहली राफेल महिला फाइटर पायलट के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहां पर नियुक्ति हुई है शिवांगी सिंह की, किसकी, शिवांगी सिंह की यहां पर नियुक्ति हुई है। और एक हमारी शिवांगी थी बिहार वाली, तो ये हमारी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। तो राफेल महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो ये है शिवांगी सिंह उत्तर प्रदेश की, और भारतीय नौसेना की पहली पायलट कौन बनी है, तो ये है शिवांगी। फिक्की के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया, तो आप ध्यान रखेंगे कि संगीता रेड्डी फिक्की की नई अध्यक्ष बनी थी इसी वर्ष। कौन, संगीता रेड्डी फिक्की की नई अध्यक्ष बनी थी। असोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने, तो असोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं निरंजन हीरा नंदिनी। कौन, निरंजन हीरा नंदिनी असोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी, तो ये बन गई हैं हरजीत कौर जोशी। कौन, हरजीत कौर जोशी शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है। भारत सरकार के अंतर्गत महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने, तो ये आपके बन गए हैं प्रमोद अग्रवाल। कौन, गेल इंडिया की अगर आपसे बात की जाए, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि गेल इंडिया के कौन बने हैं, तो ये आपके मनोज जैन बने हैं, और जो हमारी कोल इंडिया है इसके बने हैं प्रमोद अग्रवाल। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि बात हो रही है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसके नए महानिदेशक कौन बने, तो मोदेत्री श्रीधर भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। तो आपको याद रखना है मोदेत्री श्रीधर का, जो कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहां पर नियुक्ति की गई है जी नारायणन की,
तो आप सीधे कनेक्ट करेंगे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बन गए हैं जी नारायणन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, बात हो रही है यहाँ पर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की, तो इसके अध्यक्ष कौन बने? तो अजय पटेल, जो हमारे यहाँ का अखिल भारतीय शतरंज महासंघ है, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुना गया है राज लक्ष्मी देव को। किसको? राज लक्ष्मी सिंह देव रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक बार फिर से अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित की गई हैं और अब ये 2024 तक के लिए रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी। BCCI चयन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुना गया है सुनील जोशी को। किसको? सुनील जोशी BCCI चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक कौन बनी? तो ये बन गई हैं नुपुर कुलश्रेष्ठ। कौन? नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त की गई। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है रविंदर सिंह ढिल्लन की। किसकी? रविंदर सिंह ढिल्लन की पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के CMD के रूप में नियुक्ति हुई है। गूगल क्लाउड इंडिया के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है करण बाजवा की। किसकी? करण बाजवा की भारत में गूगल क्लाउड इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति हुई है। वॉलमार्ट इंडिया के नए CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है समीर अग्रवाल की। किसकी? समीर अग्रवाल की नियुक्ति हुई है वॉलमार्ट इंडिया के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। संसद की जो हमारी लोक लेखा समिति है यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसके एक बार फिर से अध्यक्ष बन गए हैं अधीर रंजन चौधरी। तो कांग्रेस पार्टी के ये हमारे नेता हैं अधीर रंजन चौधरी और ये संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो जो हमारे हैं DPS नेगी। कौन? DPS नेगी ये श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे आप श्रम ब्यूरो के महानिदेशक DPS नेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि बात हो रही है यहाँ पर CBSE की, तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्ति हो गई है मनोज आहूजा की। किसकी? मनोज आहूजा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने अनीता करवाल जी का स्थान लिया है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, बात हो रही है यहाँ पर NABARD की, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने? तो हर्ष कुमार भनवाला पहले अध्यक्ष थे और अब इनका स्थान ले लिया है GR चिंतला ने, यानी कि गोविंद राजुलू चिंतला NABARD के नए अध्यक्ष बन गए हैं। भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ध्यान रखेंगे आप लोग दिलीप ओमान भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिक्की FLO के नई राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है जानवी फूकन की। किसकी? जानवी फूकन की। और फिक्की FLO का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यह महिलाओं के लिए है और इसकी नई अध्यक्ष बन गई हैं जानवी फूकन। आर श्रीलेखा को किस राज्य के पहले महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है केरल राज्य के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि आर श्रीलेखा पहली महिला पुलिस महानिदेशक बन गई हैं केरल राज्य की। विप्रो कंपनी ने अपने नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया? तो अभी तक इसके MD और CEO थे आबिदाली नीमचवाला। क्या नाम था इनका? आबिदाली नीमचवाला। और अब इनके स्थान पर थियरे डेला पोर्टा नए MD और CEO बन गए हैं विप्रो कंपनी के। तो आपको इनका नाम भी यहां पर ध्यान रखना है। NASSCOM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है UB प्रवीण राव की। किसकी? UB प्रवीण राव की NASSCOM के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है और इनका कार्यकाल 2020 से लेकर के 21 तक चलेगा।
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, यानी कि बात हो रही है MTNL की, तो इसके CMD कौन बने? तो PK पुरवार, जो कि हमारे BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, अब ये MTNL के भी CMD बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे MTNL के CMD बने हैं PK पुरवार। SC कॉलेजियम ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सलाह दी? तो यहां पर सलाह दी गई थी बॉम्बे के लिए दीपांकर दत्ता की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हालांकि उसके बाद में ये हमारा जो महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश भी बन गए थे। तो दीपांकर दत्ता का नाम आप ये ध्यान रखेंगे कि ये हमारे महाराष्ट्र के बन गए हैं मुख्य न्यायाधीश। वहीं पर मेघालय के नए बन गए हैं बी सुमादर और उड़ीसा के बन गए हैं मोहम्मद रफीक। तो इन सभी के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, वाई इंडिया ने किसे अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है डेविड ली की। किसकी? डेविड ली को वाई इंडिया ने अपने नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। तो ये हम लोगों ने सारी जो भी राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियां थी उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा कुछ नए सचिवों के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, PM के मुख्य सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा, रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, विदेश सचिव की बात करें तो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, राजस्व सचिव की बात करते हैं तो अजय भूषण पांडे हैं। तो अजय भूषण पांडे वर्तमान में हमारे वित्त सचिव के साथ साथ राजस्व सचिव भी बनाए गए हैं। और वहीं पर बात करते हैं गृह सचिव, तो ये हमारे अजय कुमार भल्ला हैं। और आज मैंने आपको डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में बताया था कि इनका जो कार्यकाल है अगस्त 2021 तक के लिए विस्तारित किया गया है। आर्थिक मामलों के सचिव कौन हैं? तो अतानु चक्रवर्ती हैं। राष्ट्रपति के सचिव कौन हैं? तो कपिल देव त्रिपाठी हैं। और ऊर्जा सचिव की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र गर्ग हमारे ऊर्जा सचिव हैं। तो ये रहा आज के हमारे राष्ट्रीय नियुक्तियों का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट में दे सकते हैं। बाकी टॉपिक वाइज की जो भी अन्य वीडियो हैं वह भी आपको इस मंथ के समाप्ति तक पूरी मिल जाएंगी। तो बिल्कुल आप करंट अफेयर की जो तैयारी है उसके लिए निश्चिंत रख सकते हैं। और इसकी जो PDF है वह आपको मिल जाएगी kvguruji.in पर। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।